छाप तिलक तब जीने मौत नैना मिलाई के। ट्रिनिटी न्यू ईयर कार्निवल 31 की नाइट होगी ब्राइट, सजेगी सुरों की महफिल, झूमेगा पूरा पटना, खाना भी होगा बेहद लजीज, बच्चों के मनोरंजन और खेल कूद के लिए भी है बहुत कुछ। इस कार्निवल में सुर संग्राम विजेता और मुंबईया सिंगरों की उतार दी है फौज, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना टिकट बुक कराइए और 31 की शाम को बनाइए बेहद रंगी। ओ जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक आज होने वाली है, कई तरह के फैसले आज आ सकते हैं। नीतीश कुमार क्या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभालेंगे या फिर नीतीश कुमार राजनीतिक संन्यास लेंगे? ललन सिंह पर क्या फैसला होगा? कई बातें जो लोगों के जहन में चल रही हैं उन बातों पर आज पूर्ण विराम लग जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कल देर रात ललन सिंह के साथ मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात में क्या बातें हुई हैं ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से ललन सिंह का तेवर दिखा है, पुराने रंग में ललन सिंह नज़र आए हैं, ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है और कहा जा रहा है कि ललन सिंह नीतीश कुमार के बीच में सुलह जो है वो हो चुकी है। हालांकि स्पष्ट अभी कुछ भी किसी ने नहीं बताया। ललन सिंह के तेवर, जो पुराने अंदाज के ललन सिंह थे, वो उनका तेवर नज़र आया कल देर रात। उसके बाद से अब आज का दिन बेहद खास है। बैठक दिल्ली में हो रही है, लेकिन बेचैनी इधर बिहार में बढ़ गई है। राजद की अगर बातचीत की जाए तो राजद में भी अंतर्कलह मचता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली में बड़ी बैठक जदयू की आज चलने वाली है, इधर राजद में बेचैनी इसलिए बढ़ गई है कि दो MLC आपस में भिड़ गए हैं। बिहार में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट जब से आई है, तब से लगातार हम बता रहे हैं कि महागठबंधन में ही उनके ही कुछ नेता जो अलग अलग जातियों से हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हीं में से एक है राजद के MLC रामबली चंद्रवंशी, जिनकी सदस्यता खतरे में आ गई है। विधान परिषद में राजद के चीफ व्हिप सुनील कुमार सिंह ने पार्टी की तरफ से उन पर दल विरोधी आचरण का आरोप लगाते हुए सदस्यता समाप्त करने का नोटिस विधान परिषद सचिवालय को दे दिया है। कोर्ट से इस संबंध में रामबली सिंह को कोई राहत नहीं मिलने के बाद मामला सभापति देवेश चंद्र ठाकुर के पास फिर से पहुंचा है और देवेश चंद्र ठाकुर फैसला करेंगे कि इसके बाद इनको क्या करना है। विधान परिषद सचिवालय ने अगले वर्ष 9 जनवरी को अपना पक्ष रखने के लिए रामबली सिंह को नोटिस दिया है। वे विधानसभा कोटे से राजद MLC हैं, उनका कार्यकाल अभी 2.5 साल बचा है। रामबली सिंह पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर अति पिछड़ा विरोधी होने का सार्वजनिक आरोप लगा रहे हैं। बीते रविवार को औरंगाबाद के दाऊदनगर में चंद्रवंशी चेतना मंच के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रामबली ने कहा था कि जदयू पूरे राज्य में कर्पूरी चर्चा करा रहे हैं, राह पर कर्पूरी ठाकुर की आत्मा कराह रही है, राज्य सरकार ने इन्हें उनके सपनों को चक्रचूर कर दिया है। नीतीश कुमार ने अपेक्षाकृत संपन्न जातियों को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर दिया, लालू प्रसाद के शासन में भी ऐसा किया गया था। तो इसके बाद से अब रामबली चंद्रवंशी की मुश्किलें बढ़ गई हैं, उनकी सदस्यता खत्म हो सकती है। इधर राजद की सरकार का क्या होगा, राजद के साथ जदयू के गठबंधन का क्या होगा, क्या राजद और जदयू मिल जाएंगे, इस पर अभी चर्चा चल ही रही थी कि दो MLC आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना है, देखते रहिए भारत लाइव, धन्यवाद। हो जिया हो बिहार के लाला, अरे जिया तू हजार साला, जिया तू भोर बमाना, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा रे भैया। जगह पे श्री बालाजी रिजॉर्ट पे एक शानदार 31st नाइट मनाया जा रहा है, जिसके लिए हम लोग देश विदेश जाया करते थे, मुंबई दिल्ली जाया करते थे, आज हमारे पटना में होने जा रहा है। तो कहां हो पटना वासियों, लगाते हैं ना मिलके आग 31st नाइट को और बनाते हैं शानदार 2420। आइए मनाते हैं न्यू ईयर और बनाते हैं अपने बिहार के नए यूथ आइकॉन को, बढ़ाते हैं, सराहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सपोर्ट करते हैं। जय हिंद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति
और बिहारियत से सरोकार रखनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।